अधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बोलो गोकुल के रसिया की जय। श्री वामन भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरश्च पादां भुज सत् प्रणाम योग्यं ददौ यो यदुवंशचंद्र स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो गोपाल लाल शरणं प्रपद्ये। गोपाल लाल शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आज के आनंद विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पितृचरण के युगल चरणारविंद में कोटाने कोटि दंडवत प्रणाम। समुपस्थित चिरायुष्यमान लघु भ्राता श्री गोवर्धनेश जी महोदय एवं भगवद सतसंग प्रिय सेवा परायण अत्यंत भावुक शिवल्लभ के अत्यंत प्रेमी आप सब आत्मीय स्नेही वैष्णववृंद, सर्वप्रथम आप सभी को आज के उत्सव की अनंत कोटि शुभ मंगल बधाई। पूर्व वक्ता चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी के मुखारविंद से प्रसंगोपात समयोचित आज के दिवस की कथा एवं भगवत चिंतन हम सबन ने अत्यंत एकाग्र चित्त से श्रवण किया और
इस संसार में ऐसा कोई भी धार्मिक वृत्ति वाला जीव नहीं होगा जिसको आज के दिन का महत्व पता न हो। फिर वो पुष्टि जीव हो या मर्यादा जीव हो, वो इतना तो जानता ही है कि आज श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवत प्रागट्य के अनेक विध कारण हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी जो भगवान ने यदा यदा ही धर्मस्य, जो आपने स्वयं आज्ञा करी है, लेकिन श्री हरिराय महाप्रभु अपने चिंतन ग्रंथ में जो आज्ञा करते हैं मुख्य कारण प्रभु के प्रागट्य का, कि भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। साधारण बुद्धि, एक सामान्य ज्ञान, के चलते कई बार जीव यो विचार करता है कि जो आसुरी जीव हैं उनके उद्धार के लिए भगवान प्रकट हुए। कंस के लिए कृष्ण आए, रावण के लिए राम आए, लेकिन जो भगवत भक्त है वो ये जानता है कि भगवान का प्रागट्य केवल भक्त के लिए है। और यहां भगवत भक्त जो बलि राजा हैं, असुर कुल में उनका जन्म हुआ लेकिन आसुरी वृत्ति नहीं है। ध्यान दो प्रियजनों, असुर कुल, वैसे तो प्रहलाद जी के, उनकी जो परंपरा के दर्शन करें तो उनके पूर्वजों में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी, लेकिन जो कुल है वो असुर कुल है, आसुरी वृत्तियों का वो कुल है, लेकिन उस कुल में भी ऐसी देवी वृत्ति वाले ये बलि राजा का जन्म हुआ और उनके ही मनोरथ कहें या फिर प्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनकी यज्ञशाला में पधारे। बड़ा ही सुंदर चरित्र जो अभी अभी हमने श्रवण किया है। तो मूल बात प्रियजनों के, भक्त के लिए भगवान का प्रागट्य है और प्रभु प्रकट होके जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं का चिंतन नित्य निरंतर अत्यंत आवश्यक है। श्री हरिराय महाप्रभु जन्म वैफल्य निरूपणाष्टकम में स्पष्ट आज्ञा करते हैं, न लीला चिंतनम नैव न दीनता विरहात्परे। और ऐसा जीव शराय महाप्रभु की दृष्टि में तो आप स्पष्ट कहते हैं कि वृथा तज्जन्म भूतले, कि जो भक्त भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं करता, जो वैष्णव
प्रभु की लीलाओं का चिंतन नित्य नियमित नहीं करता, शरणाई जी की दृष्टि से देखें तो उनका जीवन वृथा है। वृथा तज्जन्म भूतले, मानुष्य जीवन पायो तूने कहा लो कमायो है। भगवत ये तो बारंबार पूछते हैं, कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त कर तूने क्या कमायो। साधारण जीव कहे वो कि भाई मैंने तो इतनी इतनी कमाई करी, मैंने मेरो परिवार कमायो, मैंने मेरो घर कमायो, मैंने मेरी खेती बाड़ी वैभव कमायो। लेकिन भगवत भक्त के चित्त में तो बस केवल भगवत लीला का ही चिंतन है। और फिर प्रभु का प्रागट्य और प्रभु के प्रागट्य के बाद जो एक एक लीलाएं हैं, वो माखन चोरी लीला है, नामकरण लीला है, जानू रिंगण लीला है कि छोटो सो बालक को नंदालय में जानू रिंगण लीला कर रहे हो। श्री यशोदा मैया ने सोने के नूपुर धराए हैं और वो सोने के नूपुर भी बजवे वाले, और वो जानू रिंगण लीला करते करते वो नूपुर में से छन छन को नाद, माखन चोरी लीला। क्या प्रभु को कोई माखन की कमी है? फिर भी भक्तन के मनोरथ के लिए घर घर आप पधार रहे हैं, घर घर नित्य प्रतिरोज माखन की चोरी कर रहे हैं। और वही लीला के क्रम में प्रियजनों, रास लीला है, कई विध चीरहरण लीला है, और वही सब लीला के क्रम में प्रभु की एक अटपटी लीला, या को भगवत ने जो ये लीला को कहो है अटपटी लीला है, ये दान लीला। कि जहां प्रभु ब्रज भक्तन सु दान के रूप में कहीं गोरस कहीं माखन जो उनको प्रिय है, जामे उनकी आसक्ति है, जिनकी उनने गागरे भर रखी हैं, जिनने जिनके उनने भंडार भर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विचार कर सके ऐसो कि इन सभी में से आसक्ति को छुड़ाएवे के लिए उनकी जो प्रिय चीज है गोरस, प्रभु वो गोरस को दान ग्रहण कर रहे हैं। जिन जिन वैष्णव ने ब्रज यात्रा करी है, ब्रज परिक्रमा करी है, उनको ख्याल ही होएगो कि ब्रज में दान के कई स्थान हैं। जो मुख्य बात करें कि साकरी खोर को दान, याद करो प्रियजनों, वो साकरी खोर आज भी ब्रज परिक्रमा अंतर्गत वहां दान को मनोरथ होवे है। सभी वैष्णव वो साकरी खोर में जो भी परिक्रमा में आए, हजारन वैष्णव वो साकरी खोर में सम्मिलित हो जाएं, एक मेला सो लग जाए और वहां वो ठाकुर जी की दान लीला के साक्षात दर्शन को आज भी अनुभव वैष्णव इनको ब्रज लीला ब्रज यात्रा अंतर्गत हुए। तो साकड़ी खोर प्रभु ने ऐसी ऐसी स्थान खोज के रखे हैं कि जहां भक्तन को निकलने को कोई विकल्प न मिले। ये साकड़ी खोर भी ऐसो एक स्थान है कि जहां वो दान दिए बिना जा ही नहीं सके, और ऐसो ही स्थान में आज भी प्रभु ब्रज के अनेक विध स्थान में ये सुंदर जो दान लीला है
वो करे हैं। पूर्व में हमने श्रवण कियो कि तीन प्रकार के दान राजस, तामस और सात्विक, और ऐसो ही दान प्रियजन नंद बाबा ने कियो है। कहीं ऐसो भी प्रसंग आवे है कि आज के दिन हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम नंद नंदन ने करवट बदली है, जो करवट बदलवे को जो दिन है, कहीं ऐसो भी उल्लेख मिले कि वो आज को दिन है। और जहां ये करवट बदलवे के दर्शन यशोदा मैया ने करे, तुरंत जाके नंद बाबा सो कही और कि आज तो उत्सव मनाना चाहिए, और फिर नंद बाबा महामना हा बहुत दान दियो, और तब से ये एक दान की परंपरा ब्रज में चली आई। और ऐसो ही दान जाकू हम कहे हैं कि मर्यादा दान जो हमारे बलि राजा ने करो, अपनो सर्वस्व समर्पण विनती करी के प्रभु अब आप अपनो तीसरो पग आप मेरे मस्तक पे पधरा। ये मर्यादा समर्पण है प्रियजनों। हमारे वार्ता साहित्य में आप सब तो सत्संग परायण वैष्णव हैं, आपको ख्याल ही होगो कि श्री गोसाई जी के वचन कि जिनने बलि राजा को नहीं देखे हुए वो इनके दर्शन करो, माणिक चंद दास की वार्ता। तो आज के दिन वो प्रसंग को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। वार्ता तो काफी विस्तार सु है, लेकिन संक्षिप्त में जो अपन विचार करें कि श्री गोसाई जी आगरा पधारे हैं और माणिक चंद दास जी जो हैं अभी वैष्णव नहीं भय, श्री गोसाई जी को मुकाम माणिक चंद दास जी के पड़ोस में है, और वहां संध्या काल माणिक चंद दास जी की पत्नी जो हैं वो अटारी पे श्री गोसाई जी के दर्शन कर रही है, और श्री गोसाई जी को अलौकिक स्वरूप पुष्टि पुरुषोत्तम रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में श्री गोसाई जी के दर्शन वो माणिक चंद दास की पत्नी को भाए। बस देह की सुधी न रही, माणिक चंद दास जी सब अपनो लौकिक व्यवहार पूर्ण करके शायन काल जब अपने घर आए, देखें कि अपनी पत्नी को कि देह की सुधि रही नहीं, बस वो टकटकी लगा के श्री गोसाई जी के दर्शन कर रही है, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप श्री गोसाई जी के उनको भी दर्शन पे। जैसे ही प्रातः काल भयो दोनों ही पति पत्नी श्री गोसाई जी के सन्मुख भय, दंडवत की है जयराज हमको आप शरण लो। श्री गोसाई जी ने देवी जीव जान के उनको शरण लिए, विनती करी कि जयराज हमारे घर पधारो मुकाम करो। वार्ता प्रसंग में उल्लेख है कि तीन दिना ताई श्री गोसाई जी माणिक चंद दास जी के वहां भी आए, और इतनो आनंद विचार करो कि जिनके दर्शन अटारी पे भय होए और वही साक्षात अपने घर पधार जाए, और उनकी टहल को जो आनंद उनको प्राप्त हो रहे, सवेरे जल्दी उठ जाए, श्री गोसाई जी की सब मंगला की तैयारी करें, वस्त्र की तैयारी करें, श्री ठाकुर जी की सब तैयारी करें, और बस वही दिन चलिया। तीन दिन तक श्री गोसाई जी वहां विराजे, चौथे दिन श्री गोसाई जी ने माणिक चंद दास जी को बुलाया, आज्ञा करी कि अब हम जाएं। और जहां ये शब्द सुने तो नेत्र में से अश्रुपात होए लगो, इतनो आनंद आ रहा है अभी तो सेवा में, अभी तो हम सम्मुख भय हैं, अभी तो हमने सेवा कर्मो सीखियो है, और अभी आप जावे की बात कर रहे हो। दोनों पति पत्नी सामने ठाड़े हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, श्री गोसाई जी उनको भाव देख और तीन दिन विराजे।
तीन दिन पूरे है, श्री गोसाई जी ने माणिकचंद दास जी से कही कि अब हम जाएंगे। माणिकचंद दास जी ने बड़ा सुंदर वार्ता प्रसंग वार्ता में उल्लेख है कि अपनो सर्वस्व जो भी कुछ उनके पास था, श्री गोसाई जी के संग चापा भाई भंडारी संग थे, घर में जितनों भी साहित्य थो जो भी कछु थो वो सब बेच दियो, और बाकी हुंडी वास समय में 76,000, वार्ता प्रसंग में उल्लेख है कि 76,000 की हुंडी चापा भाई को श्री गोसाई जी के लिए लिखवाई। श्री गोसाई जी को पतो नहीं है, श्री गोसाई जी वहां से पधारने की सब तैयारी कर रहे हैं, नगर के गांव के जितने भी वैष्णव हैं श्री गोसाई जी को पधराएवे के लिए तैयार भय, सब गाड़ाए ऊंट गाड़ी जितनों भी सब थो सब साधन सब तैयार करवे लगे, पर जैसे ही सामैया करके वल्लभ कुल को पधरावे वैसे ही सब वैष्णव गांव के छिवाड़े तक पधरावे गए। यहां माणिकचंद दास जी जो घर को जितनों भी सब साधन थो इत्यादि सब बेच के कूट गाड़ी में करके श्री गोसाई जी पधारवे वासे पहले ही आगे मार्ग में पड़ गए उनकी पत्नी के साथ। श्री गोसाई जी पालकी में पीछे पीछे पधार रहे हैं, श्री गोसाई जी ने देखो कि आगे कोई स्त्री जा रही है। श्री गोसाई जी ने अपने खवास से पूछो कि भाई ये स्त्री कौन है, खवास ने कही कि ये माणिकचंद दास की पत्नी है। श्री गोसाई जी ने अपनी पालकी रोकी, बाहर पधारे, स्त्री को बुलाई, पूछी कि माणिकचंद कहाँ है, कि जयराज वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। बड़ा सुंदर वो संवाद। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम हमारे संग कहाँ चल रहे हो। नेत्रों में से अश्रुपात करते करते स्त्री कहवे लगी कि जयराज अब हम कहां जाएं। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अपने घर जाओ, अपने घर संभालो। स्त्री ने कही जयराज अब आपके युगल चरणारविंद के आश्रय के बिना या संसार में और कछु हमारे लिए उचित नहीं है। दृढ़ ही ने चरण न केरो भरोसो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अब तो हम आपके चरणारविंद को कभी छोड़ेंगे नहीं, आपकी खवासी आपके जनाने की बेटी जी को मैं सेवा करूंगी, आप हमारा त्याग मत करो, आप हमको संग रखो। दोनों ही युगल पति पत्नी दीनता पूर्वक श्री गोसाई जी के सम्मुख ठहरे हैं। श्री गोसाई जी ने उनको बहुत समझाया कि अपने घर जाओ, घर संसार संभालो। श्री गोसाई जी